अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी यहाँ हमारा बगल में कब्रिस्तान है, तो यहाँ पर एक मजार लगता है। पहले था वो मौलाना हम लोग का उस्ताद था, तो वो इंतकाल हुआ तो वो वसीयतनामा लिख के गया कि हमारा यहाँ मजार बनना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक कब्रिस्तान है, उसके बगल में सीधा उधर पश्चिम तरफ मजार लगता है बाहर, कब्रिस्तान के बाहर। और ये हमारे गांव का बच्चे है। तो गाइस देख सकते हो कि ये यहाँ पर ये कब्र है हमारे मौलाना का, यहाँ कब्र है। कब्र मुबारक, यहाँ पर चादर चढ़ाया जाता है हर साल, साल में एक बार। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, हम आपको दूर से दिखाते हैं कि ये कब्र कैसा है। कब्रिस्तान से बाहर हालांकि वसीयतनामा करके गया था, लेकिन ये लोग उस टाइम समझा नहीं तो कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में बाहर कब्रिस्तान के बाहर फिर मजार लगाते हैं लोग हर साल एक बार। तो ये हमारा जीजा जी है गाइस, देख सकते हो ये भी आया है यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर, जो वो मजार लगा है। तो इसके यहाँ पर इसको भी रहा नहीं गया और ये भी आ गया। और ये हमारा दामाद है, बोलता है सबको कि ये दामाद है हमारा, दामाद टकला है, दामाद टकला हो गया है आज। लोग देख सकते हैं कि यहाँ भाई साहब जो है हर्रा बेच रहा है, कन्याटवा जो है हर्रा बेच रहा है, दोनों मिल करके देखो कैसा कैसा जोरी, बहुत जबरदस्त लग रहा है, एकदम नंबर वन जोरी। मोगी बाजार का जोरी, अरे छोला, हाँ मोगी बाजार का जोरी देख लो, एकदम धमाकेदार जबरदस्त, क्या जोरी है, एकदम रब ने बनाई जोरी।